देखिए अशोक गहलोत दो चीज में कामयाब हो गए, एक तो सचिन पायलट का ऑपरेशन करना था वो तो परमानेंट कर दिया, सचिन पायलट का समय निकल गया। उसमें मेरा तीन बार सीएम रह के दाप नहीं रही क्या, पहले ये बताओ, दो तीन एक बार ही होता है सपना, कॉफी सीएम हाउस पियेंगे अपने साथ, कहाँ कॉफी पी क्या सीएम हाउस के अंदर बताओ मुझे। पायलट को पहले भी कोई पद नहीं मिला था, उप मुख्यमंत्री कोई पद नहीं होता, वो सीएम की बात करते थे, और वो सुन रहा तीन बार सीएम रह के दाप नहीं रही क्या, पहले ये बताओ, दो तीन एक बार ही होता सपना, एक बार चीफ मिनिस्टर रह जाए मैं किस नहीं मैं वो तो चले गए ना, अब कहाँ से करना चाहता। मैं कांग्रेस बीजेपी के साथ नहीं करूंगा, शोषित पीड़ित दलित या जवान की बात करने वाली, ट्राइबल की बात करने वाली अगर कोई पार्टियां गठबंधन करना चाहेगी तो हमारे रास्ते उनके लिए खुले हैं, और कोई नहीं करेगा। बयान दिया है देखिए कैलाश जी की, मैं कैलाश जी के साथ लंबे समय से था कि वसुंधरा पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए उन्होंने, लेकिन उन्होंने चूक कर दी, उसमें 5000 करोड़ का था, मैंने ही बताया कि उनका 22000 करोड़ का हुआ, हम साथ ही थे दोनों, लेकिन बाद में कैलाश जी क्या हुआ वसुंधरा जी के साथ उनका वो हो गया था, वो आरोप तो सच्चे लगाते हैं, बस इतना है कि वो बाद में साथ रहते हैं कि नहीं रहते, ये अगर आरोप लगाए तो कहीं ना कहीं सच्चाई होगी इसके अंदर, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बिना उसके पत्र नहीं लिखते। हाँ लेकिन बाद में क्या होता है कि उनको ज्यादा करते हैं तो फिर वसुंधरा जी से समझौता उन्होंने कर लिया था, विधानसभा अध्यक्ष बन गए थे। देखिए राजस्थान में लंबी लड़ाई तो कोई नहीं लड़ पाया, सब शरणम गच्छा में हो गए, मेरे साथ भी बहुत बड़े नेता थे महल की महारानी कहते थे, वो सब वहीं बैठे हैं, एक ही व्यक्ति लड़ रहा है, आप ये बात क्यों नहीं कह रहे कि लड़ाई एक ही आदमी लड़ रहा है, पार्टी बना के और लंबी लड़ाई लड़ना लंबे समय तक, तो वो तो एक ही व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी, और कैलाश जी ने जो आरोप लगाए वो तो कोई आरोपों में सच्चाई होगी जब ही पत्र लिखेगा, ऐसे तो कोई व्यक्ति अपनी पार्टी के खिलाफ क्यों पत्र लिखेगा बताओ मुझे। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता साहब, कोई ऐसे लगवाया नहीं जाता, आरोप तो अब मान लो मेरे पे कौन लगा रहा, नहीं लगा रहे हैं लोग, ऐसे आरोप लगाते हैं वो तथ्यहीन आरोप होते हैं, वो तो वापस खत्म हो जाते हैं। जब हम बैठे हैं काजल की कोठरी के अंदर, आपको पता है सरकार गिराने से लेके गिरने से लेके चुनाव भी हुए सारे, आप सब एक एक चीज से जानते हो कि आरएलपी कहां थी, हम कहां थे, आरोप उन पे लगते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ करता होगा, तभी तो आरोप लगे, कोई नहीं करेगा उस पर कहां से आरोप, हमारे पे तो नहीं लगे आरोप, अगर आरोप लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं सच्चाई होगी। और वो तो अशोक गहलोत ने खुद कहा ना कि मैंने 2009 में आरोप लगाया, तब आप लोग नहीं मानते थे, तब आप लोग कहते हनुमान बेनीवाल ऐसे ही कर रहा होगा, तब अशोक गहलोत ने कहा कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई, कह दिया ना, अब उससे ज्यादा किससे कहलाओगे, सीएम कह रहा है मेरी सरकार उससे ही 7-8 ML उसने ना वसुंधरा जी अशोक गहलोत को दिए। उनको ठीक करा देंगे, खराब निकले तो उनको ही ठीक करा देंगे, मैं ये बता रहा हूँ इनका तो काम है वोट कैसे मिले, आप समझो रेवड़ियां बांटना वोट लेना, इनका मकसद एक वोट मिल जाए बस। देखिए अशोक गहलोत दो चीज में कामयाब हो गए, एक तो सचिन पायलट का ऑपरेशन करना था वो तो परमानेंट कर दिया उन्होंने, तो ये उनकी जीत हो गई, वो अपने आप में बहुत खुशी से महसूस, हर आदमी को कहता है बताओ पायलट का ऑपरेशन किया नहीं किया, वो कर दिया, और चूंकि उन्होंने क्या किया वो खुद ही कर लिया, उन्होंने कहा तो मानेसर गए बड़ी बड़ी बात करी, मैं आज सीएम बन के आ रहा हूं, अपने लोगों का मैं 15 दिन बाद आ रहा हूं, किसी का कहां हूं कॉफी सीएम हाउस पियेंगे अपने साथ, कहाँ कॉफी पी ली क्या सीएम हाउस के अंदर बताओ मुझे, तो ऐसा करके खुद ही उन्होंने अपनी मटिया मेट करा ली। अगर वो निकल के आ जाते पार्टी से सचिन पायलट तो आरएलपी और वो मिला के 100 सीट राजस्थान में लेते, लेकिन देखो ये समय किसी के साथ नहीं चलता, ये समय अपने हिसाब चलता है, जो एक बार व्यक्ति अपना ट्रैक चूक जाता है उसको उसकी वो भी जो हरजाना उसका भुगतना पड़ता है। सचिन पायलट को लेकर आपने जो बोला आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट का समय निकल चुका है? निकल चुका, समय निकल गया, सचिन पायलट का समय निकल गया।